Our next one, another C program based on string reverse operation. String reverse operations के केस में generally आपके पास total 3 possible केस हैं. First case, reverse the given string. अगर आपके पास कोई string available है, तो हो सकता है आपको इस string को completely reverse करना हो. First possible case क्या है? Case 1, reverse given string और reverse the string और string को completely reverse कराना. दूसरा means for example, इस केस में आपके पास कोई string available like a hello एंड वर्ल्ड और जस्ट सेम स्ट्रिंग यूज करा यू कैन लर्न इस केस में फर्स्ट केस के हमने से अगर आपको कंप्लीटली स्ट्रिंग को रिवर्स कराना है देन स्ट्रिंग को रिवर्स कराने का मतलब क्या है स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को रिवर्स कराना तो इस केस में फर्स्ट कैरेक्टर क्या है एन नेक्स्ट वन आर ए E L space N A C clear then again space U O Y इस केस में इसका परफॉर्म क्या हुआ है रिवर्स ऑपरेशंस आर अप्लाइड फॉर एवरी कैरेक्टर ऑफ गिवन स्ट्रिंग दूसरा पॉसिबल केस क्या है रिवर्स द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इस केस में कंप्लीटली स्ट्रिंग को रिवर्स करा सेकंड पॉसिबल केस क्या है रिवर्स द ऑर्डर ऑफ वर्ड अगर स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स के ऑर्डर को अगर रिवर्स कराना है ऑर्डर ऑफ वर्ड के केस में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का और रिवर्स करने का वे क्या होगा अगेन मैं यूज कर रहा हूं सेम स्ट्रिंग यू कैन लर्न अगेन इस केस में जब आप इस स्ट्रिंग को रिवर्स कराओ तो इस केस में कैरेक्टर्स को रिवर्स ना करा के जस्ट रिवर्स क्या कराना है वर्ड्स मींस दिस द फर्स्ट वर्ड सेकंड और थर्ड तो सबसे पहले मींस जस्ट इसको जब रिवर्स कराओगे तो रिवर्स ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा थर्ड वर्ड मींस लर्न नेक्स्ट वन स्पेस सेकंड वर्ड क्या है इसके जस्ट बाद कैन के बाद क्या है जस्ट यू तो इस केस में कैरेक्टर्स को रिवर्स न करा के रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई किसके रिस्पेक्ट में कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में वर्ड्स के रिस्पेक्ट में वर्ड्स के रिस्पेक्ट में थर्ड पॉसिबल केस क्या है रिवर्स ईच वर्ड और रिवर्स इस प्रीवियस केस में वर्ड्स का ऑर्डर रिवर्स कराया था ना कि वर्ड्स को इटसेल्फ इस केस में नेक्स्ट केस क्या है रिवर्स ईच वर्ड मीन्स किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं अगर वर्ड सभी वर्ड्स के कैरेक्टर्स को रिवर्स करना है इस केस में रिवर्स क्या होंगे ईच वर्ड फॉर एग्जांपल अगेन वी आर टेकिंग सेम स्ट्रिंग वाई ओ यू सी ए एन यू कैन लर्न इस केस में अगर स्ट्रिंग के वर्ड्स को रिवर्स कराना है मीन्स इस केस में फर्स्ट वर्ड क्या है यू जस्ट रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो सबसे पहले रिवर्स किसको कराएंगे यू को तो यू को रिवर्स कराएंगे इंडिविजुअली तो यू का रिवर्स ऑर्डर क्या रहेगा यू ओ वाई नेक्स्ट है रिवर्स किसको कराएंगे कैन कैन के केस में क्या रहेगा एन ए सी नेक्स्ट है रिवर्स किसको कराएंगे लर्न लर्न का रिवर्स ऑर्डर क्या आएगा एन आर एन आर ए ई एल इस केस में रिवर्स क्या हुआ ईच वर्ड्स मीन्स टोटल रिवर्स के केस में स्ट्रिंग्स रिलेटेड 3 पॉसिबल ऑपरेशंस हैं इस स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कराते हैं ऑपरेशन में ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ फिनिश करा चुका हूं सेम है हाउ टू रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ वर्ड्स ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग डिस्कस की था आई थिंक पार्ट 849 के समथिंग आप इसको वॉच कर सकते हो क्लियर नेक्स्ट वन मीन्स करंट एग्जांपल में जस्ट परफॉर्म क्या कराना है रिवर्सिंग ईच वर्ड्स ऑफ द स्ट्रिंग लाइक दैट मीन्स अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है देन वन बाई वन सारे के सारे वर्ड्स को रिवर्स कराना परफॉर्म कराना है इसे एग्जाम्पल की बात करें देखा जाए तो इसका लॉजिक मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ ड्यूरिंग सेकेंड केस ऑर्डर ऑफ ईच वर्ड आपको याद हो इस केस में जस्ट लॉजिक क्या बताया था सबसे पहले आपका जो भी स्ट्रिंग है उसे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को रिवर्स कराया था ऑल कैरेक्टर्स रिवर्स कराने के बाद जो भी कैरेक्टर्स हम कैरेक्टर्स के सिक्वेंस को रिवर्स कराया था वर्ड्स इसे लॉजिक देखा जाए तो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है लेकिन फिर से मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूंगा इस केस में जस्ट मेरा मेन कवरेज क्या है हाउ टू रिवर्सिंग ईच कैरेक्टर ऑफ गिवन वर्ड्स और ईच वर्ड्स इन अ गिवन स्ट्रिंग्स देन इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको लॉजिक पर एक्सप्लेन करूंगा लॉजिक डिस्कस करने के लिए जस्ट बाद राइट डाउन करेंगे सोर्स कोड क्लियर तो लॉजिक के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी मैंने स्ट्रिंग यूज किया है यू कैन लर्न विद गिवन इंडेक्सेस तो इसके इसमें फर्स्ट थिंग क्या रहेगा इस ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के रिस्पेक्ट में जस्ट टोटल 3 इंडेक्स वेरिएबल मैनेज करेंगे टोटल वेरिएबल्स कितनी मैनेज करेंगे इसके इसमें 3 वेरिएबल्स आई
जे एंड के प्लस सभी वेरिएबल्स के लिए इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड किया, सपोज दैट इनिशियल वैल्यू इज जीरो। सबसे पहले मैं वन बाई वन आपको एक्शन कराऊँ लॉजिक से, मीन्स इन थ्री डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज करने का पर्पज क्या है। जस्ट ए आई की बात करें तो आई का मेन पर्पज क्या है, ट्रेवर्सिंग ऑल कैरेक्टर ऑफ गिवन एरे ए। इस गिवन एरे ए और गिवन स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स किसके हेल्प से ट्रेवर्स कराओगे, द हेल्प ऑफ आई। प्लस आई को एवरी टाइम सेट कहाँ कराओगे, फर्स्ट ऑग मीन्स आई, जस्ट जब आई के थ्रू इस लूप को ट्रेवर्स करेंगे तो ट्रेवर्स के करने के साथ साथ आपको परफॉर्म क्या कराना, रिवर्सिंग वर्ड्स। लेकिन रिवर्स वर्ड्स कब कब का रिवर्स करोगे, इसके लिए कंडीशन क्या रहेगा, जैसे ही आई जब जब वेरिएबल आई स्पेस को पॉइंट करेगा, फर्स्ट टाइम आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीरो, देन वन, देन टू, जैसे ही आई का वैल्यू थ्री हो जाएगा, इसका मतलब क्या, मीन्स इसके इसमें क्या स्पेस, जैसे ही स्पेस आ रहा है इसका मतलब क्या, प्रीवियस कैरेक्टर्स को रिवर्स कराने की जरूरत है। तो आई का वैल्यू थ्री होने के केस में, जब आई का वैल्यू थ्री होगा उस केस में रिवर्स किस में होगा, मीन्स फ्रॉम जीरो इंडेक्स टू टू। तो इस केस में जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिस वर्ड को आप रिमूव रिवर्स करने जा रहे हैं उस वर्ड का बिगिनिंग इंडेक्स किसके पास होगा, जे के पास। तो इस केस में इस वर्ड के रिस्पेक्ट में फिर से याद रखना, किसी वर्ड को रिवर्स करने का कंडीशन क्या रहेगा, जैसे ही आई का वैल्यू स्पेस आ रहा है इस वर्ड्स को सेपरेट किससे करते हैं, जस्ट स्पेस। इसलिए आई को एवरी टाइम सेट किस पर करोगे, स्पेस पर। जब जब आई का वैल्यू या तो स्पेस होगा या फिर नल होगा, इन दोनों ही केसेस में आपको रिवर्स वर्ड्स को रिवर्स कराने की रिक्वायरमेंट हुई, बिकॉज वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय स्पेस और नल। इस केस में जैसे फर्स्ट स्पेस फाउंड होगा उस केस में आई का वैल्यू क्या होगा, थ्री, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, जीरो से। आई का वैल्यू थ्री होने के बाद रिवर्स किसको कराना, जीरो टू टू। जीरो क्या है, बिगिनिंग इंडेक्स ऑफ रिवर्सिंग वर्ड, और टू क्या है, लास्ट इंडेक्स। तो इस केस में बिगिनिंग, जिस वर्ड्स को आप रिवर्स करने जाओगे उस वर्ड का बिगिनिंग इंडेक्स में असाइन कराऊंगा जे में, तो बिगिनिंग इंडेक्स क्या है इस केस में, जीरो। और जिस वर्ड को आप रिवर्स करने जा रहे हो उस वर्ड का लास्ट इंडेक्स क्या है, टू। तो लास्ट इंडेक्स में मैनेज करूँ इनसाइड के, क्लियर। तो इस केस में इससे श्योर है इसे जे टू के आपको रिवर्स ऑपरेशंस परफॉर्म कराना है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट वर्ड रिवर्स होने के बाद इसे अपने आप में रिप्रेजेंट क्या करेगा, फर्स्ट वर्ड, मीन्स फर्स्ट वर्ड कंप्लीटली रिवर्स हो चुका। फर्स्ट वर्ड रिवर्स होने के बाद नेक्स्ट टाइम सेकेंड वर्ड को रिवर्स कराने के लिए अगेन सर्च क्या करेंगे, सेकेंड ऑक्रेंस ऑफ स्पेस, देन अगेन फिर से आई में इंक्रीमेंट कराओगे, कब तक, जब तक आई का वैल्यू या तो आई का वैल्यू या तो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है या फिर नल को। नेक्स्ट टाइम स्पेस किस को इसमें फाउंड हो रहा है, सेवन, सेवन। जैसे इस केस में आई का वैल्यू सेवन होगा नेक्स्ट टाइम, इसका मतलब ए ऑफ सेवन में क्या फाउंड हो रहा है, अगेन स्पेस, अगेन स्पेस, फिर से स्पेस फाउंड हो रहा है, इसका मतलब क्या, फिर से आपको रिवर्स कराना। लेकिन रिवर्स क्या कराना है, वर्ड ओनली, प्रीवियस वर्ड, नॉट अ कंप्लीट, मीन्स यू ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ गिवन केस। अब आपको रिवर्सिंग किस प्लेस से स्टार्ट कराना है, फोर्थ, फोर्थ इंडेक्स से, कब तक, अप टू सिक्स। तो इस केस में बिगिनिंग मीन से इस वर्ड को सेपरेट, मीन वर्ड क्या है, कैन, कैन के केस में बिगिनिंग इंडेक्स क्या है, फोर्थ। बिगिनिंग इंडेक्स किस में आसान होगा, जे में, और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, सिक्स, आसान किस में कराएं, के में। नेक्स्ट टाइम फोर और सिक्स के बिटवीन में रिवर्स ऑपरेशन से अप्लाई, अगेन इसको रिवर्स करने के जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम अगेन आई में इंक्रीमेंट कराएं। नेक्स्ट टाइम जैसे ही आई का वैल्यू नल को रिप्रेजेंट करेगा, देन आई के केस में जस्ट इस केस में वैल्यू क्या हुआ, थर्ड केस, थर्ड वर्ड, मीन्स वर्ड वन, वर्ड टू, वर्ड थ्री। इस केस में नल से जस्ट पहले ही आप कंपेरिजन करा लो, जैसे ही आई का वैल्यू, आई जैसे ही प्रीवियस पोजिशन को पॉइंट करेगा, लेकिन आप इस केस में नल किसके लिए चेक कराओगे, आई प्लस वन। अगर आई का वैल्यू ट्वेल्व है, देन आई प्लस वन का वैल्यू क्या होगा, थर्टीन। अगर आई प्लस वन में नल फाउंड हो रहा है, मीन्स नल किसके लिए चेक करेंगे, सॉरी, या तो क्या होना चाहिए, रिवर्स के लिए कंडीशन क्या हुआ, इधर ए ऑफ आई इक्वल इक्वल स्पेस, और ए ऑफ आई और आई प्लस वन, ए ऑफ आई प्लस वन इक्वल इक्वल नल। क्योंकि आप इस केस में नल कंडीशन आई के लिए नहीं लगा सकते, अगर आपने नल कंडीशन आई के लिए लगाया देन लूप का बॉडी मीन्स ऑलरेडी लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा, तो कंडीशन टेस्ट होने का चांस ही नहीं मिलेगा, क्लियर। तो इसलिए कंपेरिजन मीन्स नल केस से कंपेयर कराएंगे आई प्लस वन से। इस केस में टू कंडीशन होंगे, इस केस में सेपरेट क्या होंगे, वर्ड्स। तो इस केस में जैसे ही आई का वैल्यू मीन्स अगर आई प्लस वन में नल फाउंड हो रहा, तो आई का वैल्यू क्या रहा होगा, थर्टीन और ट्वेल्व, ट्वेल्व। तो नेक्स्ट टाइम आपको रिवर्स कब कराना है, इन केस ऑफ ट्वेल्व, 12 के केस में चेक कर सकते हो स्वैपिंग और रिवर्स ऑपरेशंस अप्लाई किस इंडेक्स से करना है, फ्रॉम एट्थ इंडेक्स, स्टार्टिंग कहाँ से कराना है, एट्थ इंडेक्स अप टू 12, क्लियर। दिस इज द रिवर्स कंडीशंस, मीन्स इन पर्टिकुलर केसेस में आपको वर्ड्स को रिवर्स कराने की रिक्वायरमेंट हुई। तो सबसे पहले इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए राइट डाउन कर रहा हूँ सोर्स कोड, सोर्स कोड के रिस्पेक्ट में सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करेंगे,
फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करो मैं एज अ वर्ड, जस्ट सिंपल फंक्शन है, कोई भी स्पेशल केस नहीं। अगर आपको डायग्राम क्लियर देना, आपको आगे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होंगे। वॉइड रिवर्स वर्ड, इस केस में रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई किसके लिए, वर्ड्स के लिए। प्लस ओनली इनपुट में क्या पास करोगे, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग के कंटेंट्स है जिस स्ट्रिंग के वर्ड्स को रिवर्स कराना, मीन्स ए। टोटल वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड इस केस में, 3 वेरिएबल्स आई जे एंड के। तो आई को यूज करने का मेन पर्पज क्या है, जस्ट इस गिवन एरे और गिवन स्ट्रिंग के ऑल कैरेक्टर्स को विजिट करना। तो इस केस में कैरेक्टर्स को विजिट करने जस्ट लूप के यूज करेंगे, 4 सेम एज प्रीवियस केस, आई इक्वल्स टू 0। प्लस रिमेनिंग ऑल वेरिएबल्स में भी इनिशियलाइजेशन किससे कराना है, 0 0 से। आप चाहे तो डिक्लेरेशन टाइम पर असाइनमेंट कर सकते हो या फिर डिक्लेरेशन के बाद, आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू के इक्वल्स टू जस्ट 0। कंडीशन क्या रहेगा इस केस में, जब तक ए ऑफ आई का वैल्यू नल नहीं हो जाता, सेम एज प्रीवियस केस, नथिंग न्यू, देन आई प्लस प्लस। मीन्स इसे लूप को जस्ट ट्रेवर्स करने का मतलब क्या है, मीन्स एरे के सारे एलिमेंट्स को विजिट करना। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद जब ये लूप चलेगा, देन आपके लिए रिवर्स कंडीशन, मीन्स कब वर्ड फिनिश हो रहा है। मीन्स इस केस में एवरी टाइम आपको चेक क्या करना है, वर्ड पहले आपको वर्ड्स को सेपरेट कराओगे और सेपरेशन के साथ साथ उनको रिवर्स भी कराएंगे। मीन्स जैसे ही आपका वर्ड सेपरेट हो रहा है, उस केस में सेपरेट होने का कंडीशन क्या रहेगा, इफ ए ऑफ आई, पर ए ऑफ आई या तो स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर ए ऑफ आई प्लस वन में क्या फाउंड हो रहा है, नल। या तो ए ऑफ आई प्लस वन का वैल्यू क्या है, नल, या फिर ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है, स्पेस। देन इस केस में वर्ड्स सेपरेट होंगे, इस दिस इज द रिवर्स कंडीशन और वर्ड्स। इसे पर्टिकुलर कंडीशन इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या करेगा, गिवन वर्ड्स। तो इस केस में जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, उस केस में आपको परफॉर्म क्या कराना है, जस्ट रिवर्स। देन इज द प्रीवियस केस, जस्ट मैं 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ, आई जे के। जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में आई जे के का इनिशियलाइजेशन किससे हो चुका है, 0 0 से। देन फर्स्ट टाइम ए ऑफ आई मीन्स ए ऑफ 0, और ए ऑफ 0 में क्या फाउंड हो रहा है, वाई मीन्स नॉन 0, कंडीशन इज ट्रू। फर्स्ट केस में फॉर लूप का कंडीशन ट्रू है। देन इस केस में इफ कंडीशन टेस्ट करेंगे, मीन्स रिवर्स वर्ड्स को रिवर्स, मीन्स स्पेस पर वर्ड क्या कराएंगे, लॉजिक्स फॉर रिवर्सिंग वर्ड, रिवर्स द वर्ड। इसे वर्ड कब रिवर्स कराओगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, क्लियर। इस कंडीशन को टेस्ट करते हैं, ए ऑफ आई मीन्स ए ऑफ 0 इक्वल स्पेस, ए ऑफ 0 में क्या है, y। तो इस केस में y का कंपेरिजन किसके साथ होता है, स्पेस के। इस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। और i प्लस 1 में नल फाउंड हो रहा है, क्या नहीं, नल कहाँ है, 13 इंडेक्स में। और i प्लस 1 क्या है, इटसेल्फ 0 प्लस 1 इज 1, मीन्स दोनों ही कंडीशन कैसे, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है। देन आई प्लस प्लस, मीन्स इस लूप का इस वर्किंग क्या है, एवरी टाइम स्पेस से या नल को सर्च करना, देन वर्ड्स को रिवर्स करना। अभी कोई स्पेस फाउंड हुआ है, देन आई में इंक्रीमेंट हुआ, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। नेक्स्ट टाइम अगेन ए ऑफ 1, अगेन सेम कंडीशन टेस्ट होगा, ए ऑफ 1 इक्वल स्पेस, ए ऑफ 1 में क्या है, ओ स्पेस के इक्वल है क्या, नहीं। ओ प्लस 1 में क्या है, यू नल के इक्वल है क्या, नहीं। दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, देन अगेन परफॉर्म किया आई प्लस प्लस। तो नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन्स आपको फर्स्ट टाइम आई में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, 3। जैसे ही आई का वैल्यू इस केस में 3 हुआ, थर्ड इंडेक्स में क्या है, स्पेस, देन आपको रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कराना। तो अभी करंटली आई का वैल्यू क्या हुआ, 2। 2 के केस में फिर से चेक करेंगे, ए ऑफ 2, और ए ऑफ 2 में क्या है, जस्ट यू इक्वल स्पेस, कंडीशन इज फॉल्स। देन यू प्लस वन में क्या स्टोर है, यू प्लस 1 मीन्स यू का इंडेक्स क्या है, 2, 2 प्लस 1 इज 3, थर्ड इंडेक्स में क्या है, स्पेस इक्वल नल, मीन्स दोनों ही कंडीशन कैसे, फॉल्स। देन अगेन लूप के अंदर आई में इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। देन ए ऑफ 3 में क्या पास होगा, इस प्लेस पर स्पेस, और स्पेस मीन्स ट्रू, क्यों, स्पेस का आज की वैल्यू क्या है, 32। इस केस में फॉर लूप का कंडीशन अगेन 2 है, देन फिर से सेम कंडीशन टेस्ट करेंगे, ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है, 3, मीन्स आई थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेक करो इस केस में थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट का वैल्यू क्या है, स्पेस। तो इस केस में ए ऑफ आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, स्पेस, और कंपेरिजन भी किसके साथ हो रहा है, ऑल्सो स्पेस, मीन से इफ कंडीशन कैसा, ट्रू। कंडीशन ट्रू होना भी चाहिए था, क्योंकि जस्ट इस केस में आई का करंट पोजिशन रिप्रेजेंट किया, अगर लेफ्ट हैंड पार्ट में फाउंड क्या हो रहा है, वर्ड फाउंड हुआ था, इस वर्ड को रिवर्स कराने की नीड है। जैसे ही आई का वैल्यू 3 हुआ, मीन्स लूप कंट्रोल कहाँ जाएगा, इनसाइड बॉडी ऑफ इफ। अगर कंट्रोल इफ के बॉडी पार्ट में आ चुका था, आपको कहीं ना कहीं वर्ड को रिवर्स कराने की नीड है, और बस को वर्ड टू एलिमेंट्स को रिवर्स कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, एक्स्ट्रा वेरिएबल। तो इसके इसमें एक और वेरिएबल यूज करेंगे रिवर्स के, जब रिवर्स कराओगे तो एलिमेंट को
स्वैप कराएंगे, स्वैपिंग के लिए रिक्वायर्ड क्या हो, थर्ड वेरिएबल। कंटेंट किस टाइप के स्वैप हो रहे हैं, कैरेक्टर टाइप, इसलिए एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल मैंने यूज किया, टेम्परेरी वेरिएबल टी, और टी का टाइप क्या है, कैर। क्लियर। नेक्स्ट में इस थर्ड वेरिएबल के हेल्प से स्वैपिंग परफॉर्म कराएं। देन स्वैपिंग के लिए जस्ट आप परफॉर्म क्या कराओगे, इस फर्स्ट केस में जैसे ही आई का वैल्यू 3 हुआ, देन जे का वैल्यू, मीन्स आपको स्वैपिंग किसके बीच में कराना है, सॉरी रिवर्सिंग किसके बीच में कराना है, फ्रॉम 0 टू 2 इन थर्ड इंडेक्स और थर्ड एलिमेंट्स को। तो इस केस में बिगिन फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0, तो इनिशियली जे में कैसा होना चाहिए, 0, और जे का ऑलरेडी वैल्यू क्या है, ऑल्सो 0, मीन्स जे में ऑलरेडी क्या स्टोर है, 0। देन करेस्पॉन्डिंग वैल्यू, जब i का वैल्यू 3 है तो j का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था, 0 जो ऑलरेडी है, और k का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, 0 और 2, क्योंकि लास्ट इंडेक्स क्या है इसका, 2। तो इस केस में जस्ट इमीडिएटली 2 कौन प्रोवाइड करेगा, 2 इज नथिंग बट, मींस इसमें जस्ट j में क्या, k में क्या असाइन करा लेंगे, k में क्या असाइन हो जाएगा, k इक्वल्स टू i। क्लियर। लेकिन याद रखना जब i का वैल्यू, इस केस में लास्ट केस में क्या है, 12, जैसे ही आई का वैल्यू 12 होगा उस केस में के का वैल्यू भी क्या है, ऑल्सो 12, मीन्स प्रीवियस केस में चेक कर सकते हो, जब आई का वैल्यू 3 है तो के का वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है, 2, और आई का वैल्यू क्या है, 7, देन के का वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है, 6, मीन्स इन दोनों ही केसेस में के का वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है, आई माइनस 1, लेकिन लास्ट केस में चेक करो के का वैल्यू 12 है तो आई का वैल्यू भी क्या है, सॉरी आई का वैल्यू 12 है तो के का वैल्यू भी क्या है, ऑल्सो 12, तो इस केस में क्या रिक्वायर्ड है, आई। तो किस केस में आई असाइन कराना है, के अंदर किस केस में आई माइनस 1 असाइन कराना है, इसके लिए कंडीशन क्या बन जाएगा, जस्ट इस केस में यूज क्या करेंगे, अगेन फोर लूप, फोर लूप में के में क्या असाइन कराओगे, के इक्वल्स टू, डिपेंड करेगा कंडीशन, कंडीशन क्या है इस केस में, अगर ए ऑफ आई स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ए ऑफ आई का वैल्यू स्पेस के इक्वल है, देन क्या असाइन कराना है, के में आई माइनस 1, इफ ए ऑफ आई इक्वल इक्वल स्पेस, अगर ए ऑफ आई का वैल्यू स्पेस के इक्वल है, देन इस प्लेस पर कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू असाइन क्या कराएंगे, आई माइनस 1, मीन्स अदरवाइज अगर एक कंडीशन फॉल्स है, देन असाइन क्या कराओगे, आई इटसेल्फ, देन दिस इज द इनिशियलाइजेशन सेशन ऑफ द लूप, इसको नेम क्या देंगे, एज अ इनिशियलाइजेशन सेशन। क्लियर। देन इस केस में फर्स्ट टाइम चेक कर सकते हो ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है, स्पेस, आई का वैल्यू क्या है, 3, और थर्ड इंडेक्स में क्या है, स्पेस, कंडीशन ट्रू, तो रिटर्न क्या हुआ इस केस में, आई माइनस 1, आई माइनस 1 का वैल्यू असाइन किस में जाए, के में, और आई का वैल्यू क्या करेंटली 3, 3 माइनस 1 इज 2, तो के का वैल्यू क्या हो जाए इस केस में, 2, और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था, ऑल्सो 2। फिर इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, स्वैपिंग। तो इस केस में स्वैपिंग के लिए लॉजिक्स आपको ऑलरेडी पता है, मीन्स दिस द इनिशियलाइजेशन सेशन, स्वैपिंग के अंदर देन स्वैपिंग आप मीन्स कब तक कराओगे, मीन्स दिस इज द जे, दिस इज द के, जे और के थे एलिमेंट में स्वैपिंग परफॉर्म हुआ, लेकिन एक परफॉर्म कब तक हुआ, जब तक जे का वैल्यू के से छोटा है, एवरी टाइम जे लेफ्ट टू राइट ग्रो करेगा और के राइट टू लेफ्ट ग्रो करेगा स्वैपिंग के अकॉर्डिंग। तो इस केस में जस्ट कंडीशन क्या है, जब तक जे का वैल्यू के से छोटा है, देन एवरी टाइम जे में क्या परफॉर्म हुआ, इंक्रीमेंट, कॉमा के में क्या परफॉर्म हुआ, डिक्रीमेंट। क्लियर। नेक्स्ट वन फिर से चेक कर सकते हो, दिस इज द इनिशियलाइजेशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ लूप, दिस इज द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन। क्लियर। नेक्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम अगर बात करें जे में के का वैल्यू क्या हो चुका है, 2, तो नेक्स्ट टाइम जब स्वैपिंग हुआ, इसके जब लूप का बॉडी एग्जीक्यूट हुआ, तो उस केस में स्वैपिंग किसके बीच में कराना है, ए ऑफ जे एंड ए ऑफ के, इसको आप एज्यूम कर सकते हो या एक्स, इसको एज्यूम कर सकते हो वाई, मीन्स इन दोनों ही एलिमेंट में स्वैपिंग कराने के लिए थर्ड वैल्यू यूज करेंगे या टी, जो कि मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, कैरेक्टर टाइप टी इक्वल्स टू ए ऑफ जे, एंड ए ऑफ जे में क्या साइन कराएंगे, ए ऑफ जे इक्वल्स टू ए ऑफ के, मीन सिंपल लॉजिक है स्वैपिंग के, इसमें कुछ भी नया नहीं है, एंड और ए ऑफ के में क्या साइन कराओगे, ए ऑफ के इक्वल्स टू अगेन टी। क्लियर। नेक्स्ट टाइम फाइनली इस लॉजिक के थ्रू परफॉर्म किया स्वैपिंग, तो फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ तो जे का वैल्यू क्या है, 0, के का वैल्यू क्या है, 2, तो 0 इंडेक्स में क्या आसान हो जाएगा, के इंडेक्स का एलिमेंट मीन्स यू, और यू के प्लेस पर क्या आसान हो जाएगा, 0 इंडेक्स का एलिमेंट मीन्स वाई। नेक्स्ट टाइम इसके बाद परफॉर्म क्या हुआ, आई जे प्लस प्लस के माइनस माइनस, तो जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे बिकम्स 1, और के में डिक्रीमेंट होगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1 इज 1, मीन्स जे का वैल्यू 1 है, के का वैल्यू 1 है, जे और के नेक्स्ट टाइम दोनों ही केस जे भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
वन को केवी किसको रिप्रेजेंट करा, वन मीन ओनली सेम एलिमेंट, तो सेम एलिमेंट को सेव कराने की जरूरत है क्या नहीं, जब एक कंडीशन टेस्ट होगा वन लेस देन वन कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन कंट्रोल का है आउटसाइड लूप, कंट्रोल जब लूप के बाहर आएगा तो चेक कर सकते हो नेक्स्ट टाइम आई जे के, नेक्स्ट टाइम आपको जे के मीन्स नेक्स्ट टाइम आप सर्च क्या करोगे आई का नेक्स्ट इंडेक्स मीन्स नेक्स्ट स्पेस, नेक्स्ट स्पेस में जे के अंदर क्या रिक्वायर्ड होगा आपको फोर, और करेंटली आई का वैल्यू क्या है थ्री, तो ये फोर आपको कहाँ से मिलेगा जस्ट करेंट वैल्यू ऑफ आई, आई प्लस वन इज इक्वल्स टू फोर, मीन्स फ्यूचर पर्पज से जे में क्या आसान कराएंगे जे इक्वल्स टू आई प्लस वन, क्लियर, देन क्लोजिंग दिस इफ कंडीशन, क्लोजिंग दिस फोर लूप, देन फोर लूप के केस में क्लोजिंग दिस मेन फंक्शन, क्लोजिंग दिस रिवर्स फंक्शन, इस लॉजिक के थ्रू जस्ट आपके ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे, अगेन मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस रिवर्स होने के जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम अगेन लूप एग्जीक्यूट होगा, मीन एक बार ये इनर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद जे में कैसा हो चुका है आई प्लस वन, और आई का करेंट वैल्यू क्या है, व्हाट इज द करेंट वैल्यू ऑफ आई थ्री, करेंट वैल्यू ऑफ जे वन, करेंट वैल्यू ऑफ के इज ऑल्सो वन, चेक इट, करेंट वैल्यू ऑफ आई इज थ्री वन वन, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू थ्री है लेकिन जे में कैसा हो जाएगा जस्ट जे इक्वल्स टू आई प्लस वन, आई का वैल्यू थ्री है तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा फोर, फोर फ्यूचर पर्पज, देन आई को फिर से ट्रेवर्स कराओगे लूप चलेगा एवरी टाइम आई प्लस प्लस होगा, तो कब तक चलेगा जब तक आपको अगेन ए ऑफ आई में स्पेस नहीं मिल जाता, और ए ऑफ आई में स्पेस कब मिलेगा जब आई का वैल्यू सेवन होगा, तो नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है सेवन और जे का वैल्यू क्या है फोर, देन अगेन कंडीशन ट्रू हो चुका है स्पेस मिल चुका है इसलिए देन फोर लूप चलाओ, तो फोर लूप के अंदर ए ऑफ आई इक्वल इक्वल स्पेस, ए ऑफ आई में स्पेस है कंडीशन ट्रू, तो इसलिए रिटर्न क्या हुआ आई माइनस वन, आई का वैल्यू क्या है सेवन, सेवन माइनस वन क्या हुआ सिक्स, और सिक्स किस में आसान हो जाएगा के में, के का वैल्यू क्या है सिक्स, चेक कर सकते हैं जब आई का वैल्यू सेवन हो रहा है तो जे का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है फोर, के का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है सिक्स, और इससे जस्ट आई माइनस वन से आसान भी क्या हो रहा है सिक्स, क्योंकि आई का वैल्यू क्या है सेवन, सेवन माइनस वन इज सिक्स, क्लियर, देन अगेन स्वैपिंग कहाँ से स्टार्ट होगा फोर्थ इंडेक्स से अप टू सिक्स्थ इंडेक्स, नेक्स्ट टाइम फोर्थ इंडेक्स में क्या है देन एन और सी, अगेन ये ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद फिर से इसने डायरेक्टली स्वैपिंग करा दिया, कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, नेक्स्ट टाइम अगेन कंट्रोल आगे जाएगा देन जे में कैसा हो जाएगा नेक्स्ट टाइम आई प्लस वन, और इस केस में आई का वैल्यू क्या था जस्ट रिसेंटली सेवन, सेवन प्लस वन जे का वैल्यू क्या हो जाएगा एट, नेक्स्ट टाइम अगेन ये लूप चलेगा स्पेस के बाद कब तक जब तक i प्लस वन में नल नहीं मिल जाता, i प्लस वन में नल मिलेगा तो i का वैल्यू क्या रहा होगा 12, तो करंटली i का वैल्यू क्या 12, तो j में मीन्स इस केस में जब एक कंडीशन टेस्ट होगा a ऑफ i इक्वल इक्वल स्पेस कंडीशन ट्रू और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स का रिटर्न किया होगा i, और i का वैल्यू 12 है इसलिए k में भी कैसा हो जाएगा ऑल्सो 12, तो नेक्स्ट टाइम स्वैपिंग किस में होगा फ्रॉम 8 इंडेक्स टू 12, 8 इंडेक्स से लेकर 12 इंडेक्स तक ये स्वैपिंग परफॉर्म होता है, इस केस में फाइनली एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे, एल के प्लेस पर क्या जाएगा एन और एन के प्लेस पर L, I प्लस प्लस होगा सॉरी J प्लस प्लस होगा तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, और K में माइनस माइनस होगा तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 11, नेक्स्ट टाइम स्वैपिंग किसमें होगा 9 और 11, 9 में E है, E के प्लेस पर क्या जाएगा 11th एलिमेंट R, और R के प्लेस पर E, अगेन I प्लस J प्लस प्लस होगा तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, K माइनस माइनस होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10, दोनों सेम इंडेक्स हैं, 10 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स, फॉल्स एन 12 को J में कैसा हो जाएगा I प्लस 1, जे का वैल्यू क्या हो जाए आई प्लस वन, आई का वैल्यू क्या है 12, 12 प्लस वन इज 13, लेकिन इसके जस्ट बाद जब 12 आने के बाद आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, आई के वैल्यू 13 होने के इसमें ए ऑफ 13 में क्या है नल, मीन आउटर लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाए, फॉल्स होने के बाद कंट्रोल का है आउटसाइड लूप, या कंट्रोल लूप से बाहर आएगा चेक कर सकते हो, उस केस में लूप से बाहर आने से जस्ट पहले ओरिजिनल स्ट्रिंग के सारे वर्ड्स ऑलरेडी रिवर्स हो चुके हैं, दिस इज द पर्पज ऑफ गिवन प्रोग्राम, नेक्स्ट वन प्रोग्रामिंग से फाइनली मैंने रिवर्स फंक्शन सेपरेटली क्रिएट कराया, देन इस रिवर्स फंक्शन से रिवर्स क्या हो रहा है स्ट्रिंग के कंटेंट्स और वर्ड्स के ऑर्डर रिवर्स हो रहे हैं, वर्ड इटसेल्फ, वर्ड इटसेल्फ फर्स्ट वर्ड क्या था यू, फर्स्ट ओरिजिनल वर्ड क्या था यू, यू के प्लेस पर क्या गया वाई यू ओ यू, नेक्स्ट वर्ड क्या था कैन, कैन के प्लेस पर क्या गया सी ए एन और एन ए सी, देन लर्न, लर्न का रिवर्स क्या गिवन, मीन इस तरह से सारे के सारे वर्ड्स रिवर्स हो चुके, टेस्ट करने के लिए यूज किया करें मेन फंक्शन void main, देन डिक्लेयरिंग कैरेक्टर एरे कैर ए विद मैक्सिमम साइज 100
देन रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड बाय यूजिंग गेट्स फंक्शन. इनपुट रीड कराने के बाद जस्ट कॉल क्या कर लो, रिवर्स, और रिवर्स में उसे एरे को पास करोगे, जैसे एरे के वर्ड्स को रिवर्स कराना है, वर्ड्स के एलिमेंट को रिवर्स कराना है. एंड डिस्प्लेइंग ओरिजिनल स्ट्रिंग पुट्स ए, दिस इज हाउ वी कैन रिवर्स द एलिमेंट और कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड. मीन्स इसके साथ सारे के सारे वर्ड्स के कंटेंट्स रिवर्स हुए हैं.